यहाँ पे इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव लेके आया हूं। ये ऐसा प्रस्ताव है जो पंजाब के भविष्य को बदल सकता है। यहां जितनी संगत इकट्ठी हुई है उस सारी संगत से उस प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए मैं आया हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है पिछले 15 साल में पहले कांग्रेस ने और फिर बादलों ने पंजाब को लूट लिया। 5 साल पहले कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब पे राज किया। कैप्टन अमरिंदर ने पैसा लूट लूट के पंजाब का विदेशों में भेजा। कैप्टन अमरिंदर के परिवार के विदेशों में खूब सारे अकाउंट हैं। उन सारे अकाउंट नंबर मेरे को पता चले हैं। कैप्टन अमरिंदर के सारे अकाउंट नंबर मैं कल बताऊंगा सारे पंजाब को, जितने कैप्टन अमरिंदर के परिवार के बारे में अकाउंट है। जब कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो पंजाब को डूब डूब के सारा पैसा विदेशों में भेज रहे थे, सारा पैसा विदेशों में भेज रहे थे। उसके बाद पिछले 10 साल से बादलों ने पंजाब को लूटा, चूस लिया बादलों ने पंजाब को, चूस लिया, खून चूस लिया पंजाबियों का बादलों ने। हमारे लड़कों को नशे में डुबो दिया, बच्चों को नशे में डुबो दिया, परिवार बर्बाद कर दिए। आज 10 साल के बाद पंजाब पूरा अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है दोस्तों। लेकिन कहावत है, कहते हैं ना, जब बाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। वाहेगुरु जी की कृपा हुई, रब की कृपा हुई और दोस्तों आम आदमी पार्टी बनी इस देश के अंदर। हम बहुत छोटे छोटे लोग हैं, ये जितने स्टेज पे बैठे हुए हैं इनमें कोई नेता नहीं है एक दो को छोड़ के। हम सारे लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई। हमारे पास केवल एक चीज थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास आदमी नहीं थे, हमारे पास सत्ता नहीं थी, केवल हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी, हमारे साथी और कुछ नहीं था। उनके पास सब कुछ है, बादलों के पास सब कुछ है, कांग्रेस के पास सब कुछ है। उनके पास सत्ता है, उनके पास काला पैसा है, उनके पास आदमी है, उनके पास सब कुछ है। हमारे साथ हमारा रब है, हमारे साथ भगवान है। दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े, 70 में से 67 सीट, किसी को यकीन नहीं हुआ। दोस्तों, ये इंसानी काम नहीं हो सकता। 70 में से 67 सीट इंसानी काम नहीं हो सकता। ये ऊपर वाले का करिश्मा है, ये कुदरत का करिश्मा है। भगवान झाड़ू चला रहा है, इन सारे भ्रष्टाचारियों के ऊपर झाड़ू चला रहा है भगवान। 70 में से 67 सीट आई और दिल्ली के अंदर हमने कमाल करके दिखाया। 1.5 साल के अंदर दिल्ली में जो कुछ किया, आज सारे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। हमने भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर कम किया, सरकारी स्कूल ठीक किए, बिजली के रेट पूरे देश में सबसे सस्ते कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, घर घर में पानी पहुंचा दिया, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी। 1.5 साल के अंदर इतना काम किया, इतना
मैं पूछना चाहता हूं कि सीबीआई ने वजीफे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जैसे वजीफे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, कैप्टन ने इंक्वायरी बंद करा दी वजीफे की। मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब, आपका वजीफे से क्या रिश्ता है? वजीफे ने हमारे पंजाब के लड़कों को बर्बाद कर दिया, वजीफे ने नशे में डुबो दिया। कैप्टन साहब, आपने वजीफे को क्यों बचाया? और अभी एक महीने पहले कैप्टन साहब के खिलाफ जितने केस चल रहे थे, बाद में उन्होंने सारे केस वापस ले लिए कैप्टन साहब के खिलाफ। कैप्टन साहब मजीठिए को बचाते हैं, बादल कैप्टन को बचाते हैं। और बादलों ने मजीठिए ने अभी 4 महीने पहले मैंने ऐसे ही सभा में कह दिया था कि मजीठिया नशे का धंधा करता है। बताओ, झूठ बोला था? करता है कि नहीं करता मजीठिया? करता है कि नहीं करता मजीठिया? सारा पंजाब जानता है कि मजीठिया नशे का धंधा करता है। मैंने कहा मजीठिया नशे का धंधा करता है? मजीठिया ने मेरे ऊपर पर्चा कर दिया, संजय सिंह ने पर्चा कर दिया, आशीष खेतान ने पर्चा कर दिया। अरे मजीठिया, तेरे को लगता है मैं पर्चों से डर जाऊंगा? तेरे पर्चे को मैं फाड़ के फेंक दूंगा। और बादल ये सारे रल मिलकर
पूरी संगत की तरफ से ये प्रस्ताव मैं भगवंत मान के सामने रखता हूं, लेकिन एक भगवंत मान को माइक देने के पहले, ये चुनाव भगवंत मान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पंजाब के लोगों का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारी जेब बिल्कुल खाली है। यहाँ जितने लोग आए हैं आज सबको कसम खा के जाना है, एक एक आदमी 100-100 लोगों को बोलेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू पे नाम लगानी है। अब मैं भगवंत मान से निवेदन करूंगा कि संगत के इस प्रस्ताव के ऊपर अपना विचार रखें। लखा की तादाद आप सहारे चल के आए, पंजाब का दर्द दिल दे लैके आए पंजाबियों। सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भी साढ़े 17 साल का सी जिस वे तुम मैं शोरता दलंदियों के कुछ आया कैसटा सीरीज फिल्मों के बीच में जो मैं काम करता सी, मैं यही कोशिश करता सी कि लोगों के हक च बोलीए, भ्रिष्टाचारियों का विरोध करिए। अज इस मुकाम से पंजाब की सेवा करने का मौका मिल रहा है, अपने आप को किस्मत वाला समझ रहे हैं कि साड़िया अखों के सामने जरा पंजाब खत्म होया सी उसके दुद्ध लाज खा रहे हैं सारे जने सारे मिलकर। अज तुसी अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्ताव रखा कि मैनू सुखबीर के विरुद्ध लड़ना चाहिए, मैं खिड़े मत्थे यह प्रस्ताव प्रवान कर रही क्योंकि असं तो पकड़ा बड़ा दल भाल के फिर फिर चलाने फ्योज हो जाता है। एक पहला ढीर से उन्होंने फ्योज करके आया सुखरूर सो पार्टी जी ड्यूटी लाऊगी मैं मंजूर होगी। जिस वे मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की सी दिल्ली अरविंद जी के घर गया सी, मैं इन्होंने कहा कि मैनू कितों टिकट नहीं चाहिए, मेरी ड्यूटी तो भावे पंजाब दी तिंदा ते पोस्टर लाने की ला दो पर मेरे पंजाब नू दोबारे पंजाब बना दो, साड़ी अखां सामने पंजाब खत्म हो जाता। सो जिथों भी ड्यूटी लगेगी पार्लीमेंट ड्यूटी लगी हुई है उत्थे फर्ज निभाने वो लग गया मैं कि मैंने हूँ अंदर बन तो रोकी जाते हैं क्योंकि मैं सब तो बद बोलना मैं पूछ लेना मोदी को भी चाह बना आती है हम तो यही शक होता है और कोई बोलता नहीं। कोई बोलिया अकाली दल SYM से कोई बोलिया अब वोटर के मामले से लोगों का की हाल करता कि मैं एक दिन कमा लगता 2 दिन बदलाव लग गए काले धर्म अपना काला तल लै गए वो तो विजय मालिया होने बैठे थे इंग्लैंड के 9-9 हज़ार करोड़ लैके साढ़े गरीबों को करके जा रहे हो। सो वीरो बहुत बड़े बड़े कपड़े ने ऐसे रैली च ऐसे जगह पर मैं आया सी तुसी भी इतने हो गए बहुत जने उदों भी मैं कहा सी कि साड़ी पार्टी के विच बड़े थम जिहड़े ने उन्हां दे विरुद्ध लड़न की रवायत है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बार शीला दीक्षित को हराया हुण सुनियार सी लै गई क्योंकि तो आपस से लड़के खेलते हैं जिंदी मर्जी लहर हो गए बड़े लीडर नहीं हारते। मैं तेरे विरुद्ध माड़ा बंदा खड़ा कर देना तू मेरे विरुद्ध माड़ा बंदा आ जी दुनिया कुश्ती चलती है यह बदलनी पौगी भी हो इन बदल वास्ते असं आए हुए हैं जिते भी रोलियां मोटिया मसाला सिपाइया पार्टी का खून पसीने का पार्टी बना रहे हैं पता नहीं साढ़े तक की इल्जाम लाओगे लाई जा सानू कोई परवाह नहीं जिन्हें चिर तुम साढ़े नाल आओ जे तुम्हें लगता है कि हाँ आम आदमी पार्टी के लीडर ये झूठ तूफान बोल के PDC से बदनाम करते हैं जे तुम्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी वाले साढ़े चुल्हे की आग्या की गल करते हैं साढ़े जवाकों की गल करते हैं दोनों हाथों पर चार
जाके ताली मार के साड़ी टीम का हौसला बढ़ा दो। बल्कि ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ
कि मेरी ड्यूटी कैसे करते जाइए मैं निभा रहा हाँ मैं भी इंसान हूँ मेरे को भी गलतियां होंगी होंगी मेरे भी कमियां ने तो परमात्मा के संग सहाय हो गए वो सानू समाप्त बख्शे वो सारा साथ देवे एक पास मैं सोचता एक पास दो रुपये पांच रुपये चार रुपये छले रखनिया मेरी जेब पाई जाती है दूजे पास अकाली दल ने कांग्रेस के लीडर ने जिन्हें हाथ मिला के बाद गोलियां गेंडिया पैदा लगे कभी सुनियो मोहब्बत प्यार ये तो बड़ा कुछ नहीं सो देश को बदला गए अपना फर्ज बनता सहन नहीं कर रहे कोई पंजाब से पंजाब की धरती हो जाती है पंजाब की धरती पिटी जाती है फिर मेरे पुत्रो मैं गुलामी के नजीरिए तो बचा लो मैं माफिया राज तो बचा लो मैं गुंडा राज तो बचा लो सुनियो दो नारे ला के अज की समाप्ति कराई तुम बहुत चेहर बैठे हो दुनिया तो बचा के गूंजिए समान जिम्मे भगवान ने दसिया कि साढ़े को जेबा दे विच कुछ नहीं है एक सच दे नाल लड़ाई लड़ रहे हैं सस्कैचवान की टीम है आर्मी जी मैं बेनती करांगा तुसीं अगे आओ यह साडी एक प्यार की निशानी जो साडे कोल कुछ नहीं है सस्कैचवान के नौजवान साडे कैंपेन लई एक ट्रक तैयार करके दे रहे हैं पार्टी नूं कि असीं खर्चा करांगे तुहाडा ख्याल रखांगे असीं खर्चा करांगे तुहाडे वास्ते यह है साडा पंजाब दा यूथ पंजाब दे लोक जेड़े पंजाब को प्यार करते हैं पंजाब लई लड़न मरन को प्यार ने इन्हां नौजवानों ने एक ट्रक भेंट किया पहले भी सानू एक कैनेडा की टीम दो ट्रक भेंट कर चुकी है सो भगवंत जी मैं तां तो ट्रक किया सी कि जरूरी सी दुनिया तो पूछा के दो नारे ला दियो अज पता लग गया सुखबीर बादल नूं कि क्रांति जिहड़ी इत्थों उठी है जनाबा